जी तो वैसे हमने हमारे पास जो 2 टन का कंप्रेसर था, हमने इसको जो है वो कट कर लिया है सराउंडिंग से। इसकी ये बॉडी जो है वो इसको ग्राइंडर से कट कर दिया है, यहाँ से ये जॉइंट होता है, तो हमने इसको जो है वो मुकम्मल तौर पे साइडों से कट कर लिया है। और ये इसका है टर्मिनल जो है बॉक्स, और इसको हम जो है आप ओपन करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इसके इनसाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे ये वर्क करती हैं। तो सबसे पहले इसका जो है वो ऊपर वाला हम कवर जो है उसे रिमूव करेंगे। तो ये व्यूज इसको इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो टर्मिनल कनेक्शन जो इसके टर्मिनल बॉक्स होता है, ये चीज़ जिसके अंदर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होती है। तो इसके अंदर अंदर वाली साइड इनसाइड दिखाएं तो ये इसका जो है वो टर्मिनल पॉइंट्स जो होते हैं वो इस तरह से निकले होते हैं, और बाकी है डोम इसी तरह जो है वो खाली होता है। तो इसके अंदर दो चीज़ें जो हमारे पास, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये है सक्शन लाइन, ये जो ऊपर में ये सामने जो है वो आपको नज़र आ रही है, ये हमारी सक्शन लाइन्स है। तो गैस जब सक करता है कंप्रेसर, तो यहाँ से कंप्रेसर के अंदर जो है वो इन होती है। तो ये हमारी जो है सबसे मोटे वाला पाइप, ये हमारा है सक्शन लाइन का। तो इसके बाद हम बात कर लें कि ये है हमारा टर्मिनल बॉक्स का जो है वो टर्मिनल पॉइंट। तो इसके अंदर जो है वो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो होते हैं वो हमें नज़र आते हैं। तो इसके साथ ये जो ऊपर वाली साइड पे ये है, इसमें थोड़ा इसको मैं थोड़ा करीब कर लेता हूँ। जी तो वैसे हमने इसको जो है वो करीब कर लिया, तो ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, और ये इसके अंदर है वाइंडिंग, और ये जो आपको दिखा सकूँ तो ये इसके ऊपर जो है वो सेट बना के बिठाया हुआ है। तो इसके जो कंप्रेशन सिस्टम है जिसके अंदर पिस्टन वगैरह है, वो इसके नीचे वाली साइड है। तो हम यहाँ से जो है वो मोटर को निकालते हैं ताकि आपको इंटरनल दिखाया जाए कि इसके अंदर जो पिस्टन वगैरह है वो किस पोजीशन पे होते हैं और किस तरह वर्किंग करते हैं। तो ये इसके साथ अगर दिखाता चलूँ तो ये इसका जो है मोटर का वो थर्मोस्टेट है। जब कंप्रेसर ओवर हीट होता है या किसी चोकिंग की वजह से कोई फॉल्ट आता है, तो ये हमारे कंप्रेसर को जो है वो कंप्रेसर की मोटर को प्रोटेक्शन देता है और उससे वो जो है वो जलने से बचाता है। तो इसलिए ये थर्मोस्टेट इसका अलहदा से लगाया गया है। ये जो है वो मोटर की हीट को सेंस करता है और ओवर हीट होने पर उसे जो है वो ट्रिप करवा देता है ताकि हमारी मोटर जो है वो सेव रहे। तो हम इसके साथ मोटर को जो है वो निकाल लेते हैं कंप्रेसर की बॉडी से। तो और ये हमारे पास है इसका जो है वो मोटर का रोटर जो मूव करता है और हमारे जो पिस्टन है वो वर्क करते हैं। तो हम इस पार्ट को भी जो है वो कंप्रेसर की बॉडी से अलग कर लेते हैं। जी तो ये हमने पहले से ही कट कर ली थी जो है वो डिस्चार्ज लाइन, जो कंप्रेसर के पिस्टन से होकर हमारे जो है वो डिस्चार्ज पॉइंट पर निकलती है। तो ये हमारे है वो कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन, जिससे हमारा प्रेशर जो है वो एग्जिट होता है। तो ये इसके स्प्रिंग लगे होते हैं जो मोटर को जो है वो वाइब्रेशन से बचाते हैं ताकि वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब जो है वो स्प्रिंग एज अ अब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि मोटर की जो है वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लें और जो हमारे कंप्रेसर वो है वो कम से कम जो है वो मूवमेंट करे। जी तो ये हमारे पास है जो कंप्रेसर का मेन जो है वो पार्ट, यहाँ से हमारा जो है कंप्रेसर जो है वो गैस को सक करता है और यहाँ से इंटरनल जो है इसके अंदर जो है ये पार्ट के अंदर हमारे पिस्टन लगे होते हैं और जो है गैस वो उनके अंदर पिस्टन के अंदर सक होती है और सक होने के बाद जो हमारे जो है वो ओपन डोम में चली जाती है और दूसरी तरफ से जो जो पिस्टन है उनको प्रेशर के साथ एग्जिट करते हैं। ये हमारा कलेक्टर है, इस चैम्बर में जो है वो गैस जो है वो स्टोर होती है और यहाँ से हमारी जो गैस है वो प्रेशर के साथ आउट होती है। इसकी अगर मैं दूसरी साइड आपको दिखा सकूँ तो अभी ये इन साइड जो है वो पिस्टन चलते हैं मूव करते हैं और अभी हम इस पार्ट को भी मज़ीद खोल के आपको दिखाते हैं। जी बस जी हमने मोटर को जो है वो बाहर निकाल लिया है। तो ये एरिया जो है ये इसका कहलाता है
पिस्टन चैम्बर, जहाँ पे जो है हमारे दो पिस्टन हैं वो वर्कआउट करते हैं, जिनसे हमारा जो गैस है उनका प्रेशर बनता है और कंप्रेसर के जो है वो डिस्चार्ज है उसके साथ, उसके ज़रिए जो है वो प्रेशर के साथ डिस्चार्ज होती है। और ये यहाँ पे हमारा जो है वो मोटर एरिया है, यहाँ पे जो है वो मोटर को जो फिट किया जाता है, जो हमारे पास ये आपको दिखा सकते हैं, ये मोटर जो है वो यहाँ पे एडजस्ट होती है, जो इसको रोटेट करती है, तो जिससे हमारा जो है ये पिस्टन चैम्बर जो है वो रन होता है। तो ये आपको दिखा सकूँ तो ये नीचे की तरफ जो है हमारे वो पिस्टन वर्क करते हैं। तो ये हमारा पिस्टन चैम्बर जो है वो ऐसे मोटर जो है वो इस जो शाफ्ट को घुमाती है, जिसके ज़रिए जो है हमारे वो नीचे लगे हुए दो पिस्टन जो है वो वर्कआउट करते हैं। जी तो वैस ये हमारे पास है जो पिस्टन चैम्बर है, इसका अगर मैं दिखा सकूँ आपको, तो इस तरह हमारे जो है वो पिस्टन मोटर से जो है वो हमारी इस शाफ्ट को रोटेट करती है, तो जिसके ज़रिए ये हमारा जो है वो पिस्टन वर्कआउट करते हैं। वो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जो है वो दो पिस्टन जो है वो वर्क करते हैं, ये शाफ्ट जो है उन पिस्टन को चलाती है, जिसके ज़रिए जो है हमारे वो पिस्टन मूव करते हैं, और इसके ज़रिए ये हमारा जो है वो एरिया, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये वो चैम्बर है जिसके अंदर यहाँ पे पिस्टन जो है वो वर्कआउट करते हैं, और यहाँ से अंदर से गैस को जो है वो इकट्ठा करते हैं, यहाँ से जो गैस को सक करते हैं, और यहाँ इसकी जो है वो ये है कलेक्टर, जहाँ पे गैस जो प्रेशर के साथ यहाँ पे कलेक्ट होती है, और यहाँ से वो ये डिस्चार्ज लाइन के ज़रिए जो हमारी वो गैस है वो डिस्चार्ज होती है। तो ये था कंप्रेसर का इंटरनल रिव्यू, और यहाँ से जो है वो ये फ्लिकरी के ज़रिए यहाँ से गैस जो है वो अपना सॉरी वो ऑयल जो है वो उठाती है, और पिस्टन एम्बर जो चैम्बर है उसके अंदर वो इसको लुब्रिकेट करती है, जिससे हमारे पिस्टन जो है वो रेस्टिंग वगैरह नहीं होते और ब्लॉकिंग वगैरह नहीं होते, और हमारे जो है वो पिस्टन साला साल तक वर्क करते रहते हैं। तो ये था हमारा जो कंप्रेसर का इंटरनल रिव्यू, और इसके साथ अब कुछ व्यू हम जो है वो मोटर की तरफ लाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, ये हमारे पास लगा हुआ है थर्मोस्टेट, ये मोटर का प्रोटेक्शन जो है वो थर्मोस्टेट लगा होता है ताकि मोटर को प्रोटेक्ट कर सके, ये प्रोटेक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है, ये स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान जो है वो लगाया जाता है, ताकि जब भी आपकी मोटर जो है वो हीटअप हो तो किसी भी रीज़न की वजह से, तो जो है हमारा वो मोटर को सेफ्ट प्रोवाइड करने के लिए थर्मोस्टेट जो है वो इसके कनेक्शन को ख़त्म कर देता है और मोटर हमारी वो सेफ रहती है। तो ये हमारा एज कनेक्शन टर्मिनल, ये इसमें रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन के टर्मिनल हैं, ये कॉमन है, ये रनिंग है, और ये स्टार्टिंग का पॉइंट लगा हुआ है। तो ये हमारी है वो मोटर जो हमारे वो सिस्टम को चलाती है। तो ये जल चुकी थी इसलिए हमने इसको काट के आपको रिव्यू करवा दिया, ताकि इसके इंटरनल क्या है ये आप आसानी देख सकें। जी तो ये हमारा था 2 टन के पिस्टन का कंप्रेसर का इंटरनल रिव्यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोटरी कंप्रेसर किस तरह वर्क करता है और फ्रिज के रेफ्रिजरेटर का जो है कंप्रेसर वो किस तरह वर्कआउट करता है। तो मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए एसी मास्टर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप किसी भी किस्म का एसी के रेफ्रिजरेंट का रिलेटेड या फ्रिज के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं।